सर। हाँ बोलो सूरज, इतनी जल्दी मुझसे क्यों मिलना चाहते? सर एक कमाल की खबर लाया हूँ आपके लिए। ऐसा क्या? जल्दी बता। जिन्हें मिले इसको रुपेंद्र खरीदने की कोशिश कर रहा था ज्यादा पैसों में, वो हमारे साथ आने को तैयार है और मैंने उनसे डील भी कर ली है। अब उस रुपेंद्र के पास केवल 5 MLAs हैं और बाकी सब के सब हमारे साथ हैं। इसका मतलब आपका CM बनना एकदम पक्का। क्या खबर सुनाई तुमने? रुपेंद्र, तेरी अकड़ तो मैं तोड़ूंगा, अब तुझे तेरी औकात दिखाऊंगा। रुपेंद्र, अब तुझे राजा से नौकर ना बना दिया ना तो मेरा नाम भी धर्म सिंह नहीं। कहाँ गए सर? जी ये दिनेश की प्रॉपर्टी के पेपर है सर। हो गया। प्रणाम राजा जी। प्रणाम रानी मैडम। कितना अच्छा लग रहा है आप दोनों को साथ में देखकर। सुबह सुबह शिव पार्वती के दर्शन हो गए। बस लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल जाता था। याद रहे भानु, शिव की तीसरी आंख कभी खुलने नहीं चाहिए। जैसे जैसे तुम्हारी वफादारी बढ़ती रहेगी वैसे वैसे तुम्हारे बैग का वजन भी बढ़ता रहेगा। अरे राजा जी, ड्यूटी तो हम करेंगे लेकिन वो सिर्फ आपकी होगी। हाँ आप तो जानते ही हैं कि हम वफादार हैं, लेकिन हमारी जो वफादारी है वो इस बैग से है बस। और आप तो जानते ही हैं कि हर काम का अपना एक दाम होता है, बाकी तो आप खुद ही निकाल दर्शी। आप चलते हैं। हर हर महादेव।